एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवास से वंचित ऐसे निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आश्रय शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पर्यटन एवं कला संस्कृति प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों तथा पैनोरमा बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजय जान देता साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा भी करता हूं। काले हिरण के संरक्षण हेतु छापरा जिले के आसोप क्षेत्र को आखेट निश्चित व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की घोषित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में न्यायिक निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रीन कोड रेटिंग स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटी होटल्स एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाकर वैलिडिटी तथा इसके प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष 1 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 2,50,000 हेक्टर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरूवारा सहित 5 स्थानों पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक जिन्होंने सामान्य योजना के अंतर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरांत उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाई फीडर से जारी किए जाएंगे को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जाएगा। किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल संबंधी रोगों संबंधी तथा विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन राज्य किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि 31 दिसंबर 2024 तक जमा कराने पर 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज माफ करने की भी घोषणा करता हूं। पर्वत से डीडवाना कुचामन सेडवा चौटन बाड़मेरवा भाणोती सवाईमाधोपुर में कृषि मंडी खोली जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है।
प्रदेश में गौवन संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2000 दूध संकलन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थाओं की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के संबंध में निस्तारण के लिए संस्थागत दृष्टिकरण करते हुए अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय 100 सीटर अभय कमांड सेंटर की 100 अभय कमांड सेंटर की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त सेंट्रल मोबाइल दल की उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। अपराधियों को बिना कोई मौका दिए शीघ्र ही अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से पुलिस फोर्स की एजिबिलिटी एवं मोबिलिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से डीजी पुलिस एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को दे सिक्योरिटी फंड गुप्त सुरक्षा निधि की राशि को दोगुनी किए जाने की घोषणा करता हूं। सुरक्षा के साथ साथ गश्त एवं निगरानी के लिए तिजारा खैरतल एवं बॉर्डर होमगार्ड की एक कंपनी तैनात की जानी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई थी। साथ ही इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केंद्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस RAC जेल प्रहरी वन रक्षक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान की घोषणा करता हूं। वर्ष 2024 हेतु केंद्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जमाबंदी भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु भू आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण शहरी